हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, बताना है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो है किसने की थी। ऑप्शन में दिया गया है वुंट, जेम्स, पैवलोव, थार्नडाइक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वुंट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन में दिया गया अनुमति परक, सुविधादाता, सत्तावादी, अधिनायकीय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुविधादाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया है नाभिकीय विखंडन, गुरुत्वीय संकुचन, दहन, नाभिकीय संलयन। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू जो है किस राज्य की लोक नृत्य है? तो दोस्तों, बिहू जो है किस राज्य की लोक नृत्य है? ऑप्शन में दिया गया है असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, बताना कि मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है व्यस्क जीवन की तैयारी, व्यायाम की आवश्यकता, बड़ों का अनुकरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यायाम की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? तो दोस्तों, हड्डियों का विकास जो है किस उम्र तक होता है? ऑप्शन में दिया गया है 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र है? तो दोस्तों, बताना बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो है निकालने का सही सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि? तो दोस्तों, बताना है कि शिक्षक का जो है शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, छात्रों के साथ जो है शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो दोस्तों, बताना कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों, बताना कि बिहार का जो है कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन में दिया गया किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्णिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद जो है हमें धन विधेयक का विवरण देता है? ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 127, 110, 95, 123। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, बताना कि हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन में दिया गया है तना, जड़, फूल, फल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन में दिया गया है 22, 38, 15, 49। तो दोस्तों, बिहार में जो है 38 जिले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? तो दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ऑप्शन में दिया गया है ये बच्चों के साथ अधिक धैर्य पूर्वक व्यवहार करती है, उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अवसरों की कमी है, वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती है, इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बच्चों के साथ अधिक धैर्य पूर्वक व्यवहार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक है? तो
तो खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक कौन है? ऑप्शन में दिया गया है फ्रोबेल, हरलॉक, पावलोव, स्किनर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रोबेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और किस संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, गतिबोधक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिबोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन दोस्तों उन संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा बताना है। ठीक है, यहाँ पर तो 97 दिया गया है, उसके बाद 86, उसके बाद 101, उसके बाद 89, उसके बाद 107, उसके बाद बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों अल्टरनेट लेंगे 97 और 101 में देखेंगे। तो अगर दोस्तों 97 में 4 जोड़ते हैं तो 101 आता है, उसी बार 101 और 107 में देखेंगे तो प्लस 6 करेंगे तब 107 आता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों 4 6 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 यानी 115। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको देखेंगे दोस्तों, तो 86 प्लस कितना करेंगे कि 89 आएगा, तो 86 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 89 आता है, उसके बाद 5 जोड़ेंगे यानी 2 बढ़ेगा। ठीक है, तो 89 और 5 कितना हो जाएगा, 94, तो 94 और 115 हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन दोस्तों 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे? ऑप्शन में दिया गया है शिशिर कुमार घोष और अरविंदो घोष, काली मोहन दास और अरविंद घोष, शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे? तो शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है कौन सा है, तो असम है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? तो कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? ऑप्शन में दिया गया है आयात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, निर्यात में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि जो है मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों विधि प्रशिक्षण देता है, तो विधि प्रशिक्षण जो है किसका देता है? ऑप्शन में दिया गया रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का, उपयुक्त सभी। तो विधि प्रशिक्षण जो है रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का, ये सभी का देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत हैं, तो मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत जो है इनमें से कौन एक है? ऑप्शन में दिया गया है सक्रियण, आकलन, विश्लेषण, उपलब्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सक्रियण जो है एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांतों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? ऑप्शन में दिया गया है रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा का वातावरण, शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बच्चे के सीखने के लिए जो है किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? तो दोस्तों रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा का वातावरण जो है अधिक अनुकूल है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? तो पाठ्य पुस्तक का कक्षा में जो है क्या उपयोग है? ऑप्शन में दिया गया है विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो दोस्तों बताना कि खबरों में रहे जो है बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और किस देश के बीच चलती है? ऑप्शन में दिया गया है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों DDT और एल्यूमिनियम के डिब्बे किसके उदाहरण है? ऑप्शन में दिया गया प्राथमिक प्रदूषक, माध्यमिक प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक।
तो दोस्तों डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे जो है गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के उदाहरण है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों बताना कि प्लास्टिक कचरे के लिए जो है निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन में दिया गया है, इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, यह अधिक समय तक रहता है, जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, ये कथन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्य पुस्तक का महत्व है, तो पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है? ऑप्शन में दिया गया, छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हेतु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन में दिया गया, व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है व्यक्तित्व विकास में और शैक्षिक विकास दोनों में, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? तो कौन सा गुण जो शिक्षक का नहीं है? ऑप्शन में दिया गया, धैर्य, विनय, सहनशीलता, अंधविश्वास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंधविश्वास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पूर्ण बल कौशल का उपयोग किया जाता है। तो पूर्ण बल कौशल का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया, छात्रों के प्रोत्साहन के लिए, अधिगम, रुचिकर हेतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूर्ण बल कौशल का उपयोग किया जाता है छात्रों के प्रोत्साहन के लिए और अधिगम रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र आधारित होना चाहिए। तो कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र जो है किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया है, प्राकृतिक तत्वों पर, कृत्रिम तत्वों पर, तकनीकी तत्वों पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक तत्वों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं। तो पुस्तकालय प्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन में दिया गया है, भौतिक सामग्री, डिजिटल सामग्री, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा घटक जो है पुस्तकालय के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में दिया गया है, अधिगम, टहलना, खेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक को पूछना चाहिए। तो दोस्तों एक शिक्षक को पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया है, अर्थपूर्ण प्रश्न, निश्चित समय में प्रश्नों का अधिकतम संख्या, जितना संभव हो उतना प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक शिक्षक को पूछना चाहिए अर्थपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सीखने की अक्षमता है। तो सीखने की अक्षमता क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, तंत्रिका विकार, दृष्टि विकार, शारीरिक विकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका विकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो कक्षा प्रबंधन के अधिगम में जो है, अधिगम गतिविधियों में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है, आकलन की प्रक्रिया, सामग्री प्रबंधन, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा जो है शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो दोस्तों बताना कि इनमें से किसे जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओजोन जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक है। अब दोस्तों प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन कौन से है? तो DDT, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी दोस्तों क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है। और द्वितीय प्रदूषक में आता है और ओजोन आता है, ठीक है। ओजोन हो गया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, SO3 हो गया, ये सभी दोस्तों द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि? ऑप्शन में दिया गया है, यह बहुत महंगा है, इसके लिए बहुत सी जगह की आवश्यकता है, इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है, यह कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। तो दोस्तों ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि यह जो है कई पर्यावरणीय
मुंडों का कारण बनता है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन में दिया गया है कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर जो है सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी किसका जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण पर, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। तो दोस्तों बताना कि समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है। ऑप्शन में दिया गया है इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं, समावेशन विविधता को महत्व देता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा का जो है मूल सिद्धांत होता है इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल है और समावेशन विविधता को महत्व देता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो दोस्तों बताना कि किस राज्य में जो है अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन में दिया गया है जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 10 मीटर और 8 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई यानी एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। तो एल कितना है 10 है और बी कितना है 8 है, तो 10 गुने 8 करेंगे 80 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। तो समावेशी कक्षा में जो एक शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है छात्रों को संस्कृति अंतर की उपेक्षा करें, संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा दें, सभी संस्कृतियों का समान एवं महत्व दें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सभी संस्कृतियों का समान एवं महत्व दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन जो है किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, अभिन्यास एवं रचना, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। तो आगमन विधि जो है प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन में दिया गया है छात्र भागीदारी, रुचि, करके सीखा सीखो, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। यानी दोस्तों आगमन विधि प्रोत्साहित करता है छात्र भागीदारी, रुचि और करके सीखो, सभी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोल प्ले विधि की कमजोरी है। तो रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है। ऑप्शन में दिया गया है ध्यान केंद्रण का अभाव, नीरस विधि, अधिगम प्रक्रिया की गतिविधि में समय का क्षय। तो रोल प्ले की विधि की कमजोरी जो है ध्यान केंद्रण का अभाव, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि बी इक्वल टू हो गया 2 और बैग बराबर हो गया 10, तो बी ओ आर एन का निकालना है, ठीक है। बी ओ आर एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर बी का कितना है 2 दिया गया है। इसी पर बी ए जी का चेक करेंगे, तो बी का कितना होता है 2 होता है, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, तो 10 आ गया। इसी पर इसको करेंगे तो बी का कितना है 2, ओ का कितना होता है 15, आर का 18 और एन का कितना होता है 14। सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो दोस्तों 49 आएगा, ठीक है। तो 49 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।